जो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था व्हाई दीज कंटेंट क्रिएटर्स आर गोइंग इनटू कैन फिल्म फेस्टिवल. सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दीज कंटेंट क्रिएटर्स गोइंग इनटू कैन फिल्म फेस्टिवल्स. आई रियली डोंट हैव. आई एडमायर दीज पीपल. आई एडमायर एंड आई सम ऑफ देम आई पर्सनली फॉलो एंड दे क्रिएट सम अमेजिंग कॉन्टेंट. दे आर क्रिएटिव स्किल्ड एंड टैलेंटेड पीपल. दे डिजर्व ऑल द रिकग्नाइजेशन दैट दे आर गेटिंग. स्पेशली नैन्सी त्यागी. आई थिंक शी इज़ द मोमेंट देयर. और जिस हिसाब से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, जो भी उनकी ड्रेस है और जैसे वो बोल रही हैं, काफ़ी रॉ रिप्रेजेंटेशन है जो कि बहुत बहुत उमदा है. एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर. 10/10. हाउ एवर कैन फिल्म फेस्टिवल इज अबाउट फिल्म्स, स्पेशली अबाउट इंडिपेंडेंट फिल्म्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. आई रिमेंबर द मसान स्क्रीन्ड हुई थी कैन फिल्म फेस्टिवल में एंड इट गॉट स्टैंडिंग ओवेशन. सो एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट कैन फिल्म फेस्टिवल एंड मसान दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम फिल्म्स का रिप्रेजेंटेशन होता था जब लोग फिल्म्स के बारे में ज़्यादा बात करते थे. अपार्ट फ्रॉम मालिका शेरावत एंड ऐश्वर्या राय, जो मुझे लगता है ये दोनों ओजी लोग हैं जो कि जो सबसे पहले जिन्होंने जाना शुरू किया था वहाँ पे. जब लोगों को कैन फिल्म फेस्टिवल के बारे में पता भी नहीं था तब मल्लिका शेरावत उधर जाया करती थी और यू नो काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी खूबसूरत है पहले तो वो. एनीवेज एंड बट जब मसान स्क्रीन हुई थी एवरीवन वाज टॉकिंग, इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट. पीपल वर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज, ऋचा चड्ढा, विकी कौशल, द डायरेक्शन, द म्यूजिक, पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट. एंड फिल्म फेस्टिवल, द पर्पज ऑफ फिल्म फेस्टिवल स्पेशली कैन फिल्म फेस्टिवल इज दिस, टू प्रमोट इंडिपेंडेंट फिल्म्स, है ना. बट समवेयर नाउ इट हैज़ बीन इनकैप्सुलेटेड जस्ट फॉर फैशन, जस्ट फॉर क्लोथ्स और यू नो वॉट पीपल आर वेयरिंग. नो बडी इज टॉकिंग अबाउट कि कौन सी फिल्म स्क्रीन हो रही है उधर. इस साल किसी को पता भी नहीं है कि उस वहाँ पे फिल्म कौन सी. आई मीन ऑफकोर्स देर आर सम पीपल हु आर क्यूरियस टू नो और हु आर यू नो फिल्म इंथुजियास्ट, जिनको पता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों को पता नहीं है. जब मसान आई थी या उससे पहले अगर आप चले जाएँ, चाहे वो अपने सत्यजीत रे साहब की फिल्म हो या बिमल रॉय साहब की फिल्म हो, है ना, बहुत सारे लोगों की जिनकी फिल्म स्क्रीन होती थी, लोगों को पता चलता था कि ये फिल्में फेस्टिवल से गई हैं. बट नाउ इट इज़ ऑल अबाउट फैशन और कौन क्या पहन रहा है. आई मीन मेट गाला हो गया है एक हिसाब से देखा जाए तो. सो द होल पॉइंट इज कि इन सब चीज़ों में समवेयर जो पर्पज़ है कैन फिल्म फेस्टिवल का, वो कहीं से जो एसेंस है फिल्म फेस्टिवल का, वो कहीं ना कहीं फेड होता जा रहा है. अभी वो काफ़ी ऐसा कैजुअल हो गया लोगों के लिए कि ये भी चले जा रहे हैं, ये भी चले जा रहे हैं, ये भी हो जा रहा है. सी आई एम नॉट सेइंग कि कोई नहीं जाना चाहिए, बट आप फिल्म लेके जाइए, वो फिल्म फेस्टिवल है, इसीलिए वो फिल्म फेस्टिवल बनाया गया था. आई मीन थ्रू कैन फिल्म फेस्टिवल मुझे एक्चुअली फिल्म्स पता चलती थी कि कौन सी फिल्म कहाँ से आ रही है और कौन सी इंडिपेंडेंट फिल्म है जिनको एक्चुअली हमें सपोर्ट करना चाहिए. बट इस बार कहीं आपको नहीं पता चल रहा है कौन सी फिल्म चल रही है. दे आर सो मेनी गुड फिल्म जो इस बार एक्चुअली चल रही हैं. आई मीन द शेमलेस फिल्म है, संतोष एक फिल्म अभी वहाँ पे आई है जिसमें जिसमें वो सहाना गोस्वामी है, मिड नाइट सिस्टर्स है जिसमें राधिका आप्टे हैं, देन ऑल वी इमेजिन लाइट ये एक फिल्म है. दीज आर द इंडिपेंडेंट फिल्म जो वहाँ पे स्क्रीन हो रही हैं. इसमें बहुत सारी फिल्में हैं जिनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला हुआ है, बट वी डोंट नो अबाउट इट क्योंकि मीडिया सिर्फ और सिर्फ फैशन और उसके बारे में बात कर रहा है. और सोनली मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज पीपल आर यू नो इंटरेस्टेड वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स, चाहे उनको समझ आए ना आए, चाहे उनको सिर्फ ट्रोल करना हो उसको, बट दे वॉन्ट टू वॉच ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि हमारा जो एक टाइम है चीज़ें देखने का, वो इतना छोटा हो गया है कि हमें 15 सेकेंड की रील चाहिए, 20 सेकेंड की रील चाहिए, कि अभी फिल्म्स भी नहीं देखी जाती. सो जो एक प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली फिल्म्स को प्रमोट करता है, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी एसेंस कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है. सो आई थिंक जो भी फिल्म मेकर्स हैं, जो भी ब्रांड्स वहाँ जाते हैं या जो भी मीडिया वहाँ जाती है, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रेजेंट करें और जो भी इन्फ्लुएंसर्स को आप भेज रहे हैं उनसे मेक श्योर कि वो उन फिल्मों को प्रमोट करें, उन फिल्मों के बारे में बोलें, है ना. सो वो मुझे प्रॉब्लम है. बाकी आई डोंट हैव प्रॉब्लम कौन जा रहा है क्या जा रहा है, बट इट शुड नॉट लॉस्ट द एसेंस. जो भी कैन फिल्म फेस्टिवल जिस लिए बनाया गया है वो उस लिए होना चाहिए, बस दैट्स ऑल आई नीड. दैट इज द मोस्ट पेनफुल थिंग आई फेल्ट कि इस साल इतनी अच्छी फिल्में स्क्रीन हो रही है बट हमें एक्चुअली पता नहीं है. सो फिल्म्स के बारे में भी बात कर लो, वो भी शेयर कर लो.